गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथमेटिक्स क्लास में चैप्टर नंबर 14 में पेज नंबर 195 सॉल्व करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है पैकिंग क्यूज। यहाँ पे एक स्टोरी है, देखिए मैं रीड कर रहा हूँ। गणेश एंड दिंगा वांट टू पैक 4000 सेंटीमीटर क्यूब्स इन बॉक्सेस। दीज आर टू बी सेंट टू ए स्कूल। देयर आर थ्री डिफरेंट बॉक्सेस अवेलेबल फॉर पैकिंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो गणेश और दिंगा है, वो गणेश और दिंगा क्या 4000 सेंटीमीटर उनके पास क्यूब्स हैं, ठीक है ना, और वो तीन बॉक्स में पैक करना चाहता है करना चाहते हैं, ठीक है। तीनों जो नीचे जो बॉक्स दिए हुए हैं और वो एक स्कूल भेजे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ अब इनकी जो बॉक्स दिए हुए नीचे इनकी मेजरमेंट दी हुई है, जैसे लेंथ 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट वाले की, इसी तरीके से दूसरे की 11 11 सेंटीमीटर लेंथ और ब्रेथ है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। इसी थर्ड वाले की 15 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेथ है 9 सेंटीमीटर और हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। नीचे अब देखते हैं, अब यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं दोनों। विल बी एबल टू फिट ऑल 4000 क्यूब्स इन दीज थ्री बॉक्सेस। आई थिंक वी नीड वन मोर बॉक्स फॉर इट। यहाँ पे दिंगा कह रहा है कि क्या जो 4000 क्यूब्स हैं हम उनको बॉक्सेस में डालें तो क्या पूरे फिल हो जाएंगे, और वो सोच रहा है कि हमें लगता है कि एक और ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे गणेश कह रहा है आई थिंक देर इज इनफ स्पेस इन दीज बॉक्सेस टू पैक ऑल 4000 क्यूब्स। अब गणेश कह रहा है नहीं, हमें दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ये उचित है, इन तीनों बॉक्स में 4000 क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे व्हाट इज योर गेस, हु इज राइट। अब आपको गेस करके बताना है कि कौन सही है। हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेसेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्स, डिस्कस विद योर फ्रेंड। अब ये दोनों गणेश और दिंगा कैसे टेस्ट करेंगे पैकिंग के पहले पहले कि 4000 जो क्यूब्स हैं वो तीनों बॉक्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आप लोग डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे बोला है, देखिए जो गणेश बोल रहा है, लुक एट बॉक्स ए। इन द फर्स्ट लेयर वी कैन अरेंज 20 मल्टीप्लाइड बाई 10 इक्वल टू 200 क्यूब्स। और वो कह रहा है कि अगर उसकी पहली लेयर देखी जाए तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 20 और 10, ठीक है ना। 20 मल्टीप्लाई 10 मतलब एक लेयर में कितने आएंगे, 200 क्यूब्स। इसी तरीके उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, इसलिए कितने लेयर बन जाएंगे, 200 के 6 लेयर, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है एंड 6 सच लेयर कैन बी पैक्ड। इस तरीके से पहले बॉक्स में 200 के एक लेयर लगाने से कितने, टोटल 6 लेयर हो जाएंगे, ठीक है ना। सो इन बॉक्स ए वी कैन अरेंज 200 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 1200 क्यूब्स। इसका मतलब है कि बॉक्स ए में कितने आ जाएंगे, 1200 क्यूब्स आ जाएंगे, ठीक है ना। ये गणेश इस तरीके से निकालने को बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए हम लोग कैसे निकालेंगे और कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। देखो कैपेसिटी या वैल्यूम निकालने का फार्मूला होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, एल मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाइड बाई एच। इसका मतलब है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, ठीक है ना। ये वैल्यूम उनकी कैपेसिटी निकालने का फार्मूला होता है, और जो भी आंसर आता है उसको सेंटीमीटर क्यूब्स में लिखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर हाउ कैन गणेश एंड दिंगा टेस्ट देयर गेस बिफोर पैकिंग द क्यूब्स इन द बॉक्स डिस्कस विद फ्रेंड, ये वाला क्वेश्चन था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लुक एट बॉक्स ए, अगर बॉक्स ए को देखें तो क्या है, वैल्यूम ऑफ बॉक्स इक्वल टू ऐसे लिख दोगे, लेंथ कितनी थी 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी थी 10 सेंटीमीटर और हाइट कितनी थी 6 सेंटीमीटर। तो इन तीनों की क्या कर देना, मल्टीप्लीकेशन, पहले 20 की मल्टीप्लाई 10 से तो 200 आ जाएगा, फिर 6 करोगे तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके वैल्यूम बी का निकालोगे, वैल्यूम ऑफ बी, बी वाले बॉक्स का वैल्यूम कैसे निकालोगे, उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों 11 11 सेंटीमीटर थी तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 11 तो 120 बना जाएगा, फिर 10 की मल्टीप्लीकेशन फिर कर दोगे जितनी हाइट थी तो 1210 सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएगा, ठीक है ना। ये बॉक्स बी का आ जाएगा। इसी तरीके वैल्यूम ऑफ सी, उसकी लेंथ थी 15 सेंटीमीटर और ब्रेथ थी 9 सेंटीमीटर और हाइट थी 10 सेंटीमीटर, तो इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1350 क्यूब्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके तीनों बॉक्स का आप वैल्यूम निकाल सकते हैं। एडिंग द वैल्यूम ऑफ ऑल दीज थ्री बॉक्सेस वी गेट, अगर हम तीनों
बॉक्स के वे जो वैल्यूम को हम ऐड करते हैं 1200 प्लस 1210 प्लस 1350, तो हमें कितना, हमारा आंसर कितना आता है 3760, ठीक है ना। इसका मतलब इन तीनों बॉक्स में कितना आ सकता है, 3760 क्यूब्स आएंगे ना, लेकिन हमें पैक कितना करना था, 4000। दिस इज लेस देन 4000 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब ये 4000 जो क्यूबिक सेंटीमीटर से क्या है, कम है, ठीक है ना। हेंस दिंगा इज राइट, तो कौन सही है, सो दिंगा इज राइट, इसलिए दिंगा सही है, उस पर लिख देना दिंगा इज राइट। पूछा ना हु इज राइट, क्वेश्चन था ना, तो वहां पे लिख दोगे दिंगा इज राइट, ठीक है ना। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसी तरीके यूज गणेश मेथड एंड राइट, आपको गणेश का मेथड यूज करते हुए सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स बी, सेंटीमीटर क्यूब्स कैन बी अरेंज इन बॉक्स सी, मतलब बी और सी का भी आपको उसकी वैल्यू निकालना है, मतलब कितने सेंटीमीटर क्यूब्स आ जाएंगे, कितने अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। और लास्ट में ये भी पता करना, तो 100 सेंटीमीटर क्यूब इन ऑल कैन बी पैक्ड इन 3 बॉक्स, तो तीनों बॉक्स में कितने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो गणेश का मेथड क्या था, पहले लेंथ और वेथ की मल्टीप्लिकेशन कर लेता था, फिर देखता था हाइट कितनी है, मतलब कितनी लेयर में जाएगा, ठीक है ना, तो उतने से फिर मल्टीप्लिकेशन करता था, तो वही प्रोसेस है। तो अभी हमने जो निकाला है आंसर वही होगा, बी वाले कितना आएगा 1210, तो इस तरीके लिख दोगे, और जो सी वाले का है 1350, ठीक है ना, ये बी का हो गया, ये सी का हो गया, और ए का था 1200, तीनों को प्लस करोगे तो 3760 सेंटीमीटर तीनों बॉक्स में पैक होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच पाइप फिल्स मोर, अब यहाँ पे जो अगला टॉपिक है विच पाइप फिल मोर क्या है, इसको देखते हैं। कलेक्ट सम ओल्ड पोस्ट कार्ड, हमें कुछ पुराने पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने हैं। यू कैन आल्सो यूज थिक पेपर ऑफ साइज 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 9 सेंटीमीटर, अगर आप पोस्ट कार्ड नहीं मिलते तो क्या ले सकते हैं, 14 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर का एक मोटा पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलॉन्ग विद वेट टू मेक पेपर वन एल पाइप वन ज्वाइन द एंड्स विद सेलो टेप, आपको क्या करना है उसकी वेट की साइड में फोल्ड कर देना है, ठीक है, जैसे फिगर में बताया गया है, ठीक है ना। वेट मतलब जिधर 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर की तरफ फोल्ड कर देना है, और फिर इसको सेलो टेप से जो दो इंच है उनको टेप मार देना, ज्वाइन कर देना है, मतलब ठीक ना, चिपका देना है। अब अगला कह रहा है टेक अनादर पोस्ट कार्ड एंड फोल्ड इट्स अलोंग द लेंथ टू मेक पाइप टू ज्वाइन द एंड्स विद टेप, इसी तरीके से अब हम वेथ में एक ऐसा पाइप बना दिया, अब हमें दूसरा पाइप बनाना है, वो उसकी लेंथ पे फोल्ड करते हुए बनाना है, मतलब जिस तरह 14 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना, उनको ज्वाइन करते दूसरा पाइप बनाना है, फिर उसको भी ऐसे ही सेलो टेप से ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बोल रहा है, यहाँ पर देखिए अब क्या बोला है, गेस विच पाइप कैन टेक मोर सैंड इन साइड इट, ठीक है ना, होल्ड इट ऑन ए प्लेट एंड पोर सैंड टू चेक योर गेस वाज योर गेस करेक्ट डिस्कस। अब आपको क्या करना है, इसमें पाइप वन पाइप टू को लेना है, इनके अंदर क्या लेना है, सैंड भर लेना, मिट्टी भर लेना है, फिर इसको एक प्लेट में गिरा लेना है, फिर आपको पहले गेस करना है कि किसमें ज्यादा सैंड है, ये मतलब किसमें इसकी होल्ड कैपेसिटी ज्यादा है, इससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले गेस करना, फिर आपको आंसर भी चेक करना है। तो अगर आप इसमें दोनों में मिट्टी भर के मतलब सैंड भर के प्योर करोगे एक प्लेट पे, तो इनमें से जो पाइप टू है, ठीक है ना, पाइप टू कैन टेक मोर सैंड व्हेन आई चेक माय आंसर वाज करेक्ट, इस तरीके इसका आंसर लिख दो कि जो पाइप टू है उसमें ज्यादा सैंड आती है पाइप वन की अपेक्षा, ठीक है ना, और इसका आंसर भी लिख दोगे, तो इसका इस तरीके आंसर लिख दोगे, पाइप टू कैन टेक मोर सैंड व्हेन आई चेक माय आंसर वाज करेक्ट, ठीक है ना। नाउ डू द सेम विद अदर पाइप शोन हियर, अब कुछ इस तरीके से पाइप बनाने हैं, टू मेक द ट्राइंगल शेप पाइप थ्री बनाना है, क्या करना है, ड्रा टू लाइंस ऑन द पोस्ट कार्ड फोल्ड द पोस्ट कार्ड अलोंग द लाइन ज्वाइन द एंड्स विद टेप, अब आपको इस पोस्ट कार्ड में दो लाइन वाइज से ड्रॉ करना है इक्वल इक्वल, ठीक है ना, स्पेस पे, और इस तरीके इनके एक ट्राइंगल शेप दे देना है, ठीक है ना। नाउ मेक द स्क्वायर शेप पाइप फोर, इसी तरीके अब फिर चार लाइन ड्रॉ करने हैं, और फिर क्या करना ड्रॉ करना है, एक स्क्वायर बना देना है, ठीक है ना। फाइंड आउट विच पाइप कैन टेक द मोस्ट सैंड इन साइड इट, सो विच पाइप हैज द मोस्ट वैल्यूम, फिर आपको पता करना है कि इन दोनों पाइप में से थ्री, अब किसमें पता करना है, थ्री और फोर में से किसमें ज्यादा सैंड आएगी, और इससे पता चल जाएगा किस पाइप की वैल्यूम ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब चेक करेंगे,
तो इसको चेक करके देखेंगे तो जो स्क्वायर साइड पाइप है 4 नंबर, उसमें ज्यादा सैंड आएगी, ठीक है ना। तो लिख देना स्क्वायर शेप पाइप 4 हैज मोर वैल्यू, इस तरीके से आंसर लिख दोगे, ठीक है ना। तो आज की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए।